हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स पार्ट टू, चैप्टर नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका जो हमारा 5 लेक्चर है, एक्सरसाइज 5.1, ये इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 3x - 4y लेस और इक्वल टू 12, 3x + 2y ग्रेटर और इक्वल टू 3, x + 2y लेस और इक्वल टू 9। इसका हम देख लेते हैं। हमारे पास इसको किस तरीके से, इसमें भी जो हमने इसको ग्राफ पे शो करना है, इसकी शेडिंग फर्स्ट की क्रॉसबॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्रॉसबॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1, इसको जो है इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3। इसको आपने फर्स्ट की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x - 4y = 12। इसी तरह से 2 और फिर 3 की क्रॉसबॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी, 3x + 2y = 3, x + 2y = 9। अब हमने इसमें जो पॉइंट्स मालूम करने के लिए इसको पुट करें, पुट x = 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4y = 12, y = -3। पॉइंट आ जाएगा एक्स वाई 0 और -3। इसी तरह से इसमें जो है वो पुट करें, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, 3x = 12 आ जाएगा, x = 4। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जो 4 है और वाई 0। सेकंड में इसी तरह से पॉइंट फाइंड करेंगे, इसमें इसको पुट करें, पुट x = 0, एक्स 0 और यहाँ पे क्या रहेगा, 2y = 3 और y = 3/2। पॉइंट आ जाएगा एक्स वाई हमारे पास एक्स 0 और y की वैल्यू 3/2। y पुट करें 0 3x = 3, x = 1। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एक्स 1 और y 0। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड वाली जो है वो, इसका हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। पुट x = 0, 2y = 9, y = 9/2। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0, 9/2। सेकंड वाला पॉइंट इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा थर्ड इक्वेशन का, पुट y = 0, x = 9। पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 9। इसका अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका टेस्ट पॉइंट लेना, टेक 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट तीनों इक्वेशंस के लिए सेपरेटली आपने करना है। यहाँ पर दोनों का सेपरेटली ले, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करें 0 - 4 × 0 आ जाएगा लेस और इक्वल टू 12। इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन का क्या आ जाएगा, 3x 3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर और इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन का 0 + 2 × 0 लेस और इक्वल टू 9, 0 < 12, 0 > 3 आ जाएगा, 0 < 9। ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेकंड वाली के सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड, सॉल्यूशन लाइज ऑन ओरिजिन साइड,
सेकंड वाले जो है वो इक्वेशन जीरो जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू थ्री ये वाला जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इनइक्वालिटीज डज नॉट सेटिस्फाइड। सॉल्यूशन लाइज ऑन ओरिजिन ऑपोजिट साइड, जो हमारा सॉल्यूशन लाइज करेगा उसकी ऑपोजिट साइड पे लाइज करेगा ओरिजिन से। सॉल्यूशन लाइज ऑन ऑपोजिट साइड। इसी तरह से जीरो जो है वो लेस और इक्वल टू नाइन है, इसमें भी जो है वो फर्स्ट वाला आ जाएगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड, सॉल्यूशन लाइज ऑन द ओरिजिन साइड। अब ये जो है हमें तीनों पॉइंट्स हमने इसको ग्राफ पे शो करना है। पॉइंट्स यहाँ पे मैं रेस नहीं कर रही, क्वेश्चन ऊपर से रेस कर रही, यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो है वो ओरिजिन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन का क्या पॉइंट है, एक्स जो है वो जीरो है और वाई माइनस थ्री। वाई एक्सिस के ऊपर इस पूरी लाइन के ऊपर जो है वो एक्स जीरो होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्स जो है वो फोर है और वाई जीरो, एक्स एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर जो है वो वाई जीरो होता है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए, अब ये जो है वो हमने तीनों लाइंस की इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा कर लिया है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो लाइज कर रहा है, इट्स मीन इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन साइड पे होगा, इस साइड पे होगा। अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन लाइज नहीं कर रहा, इसका सॉल्यूशन जो है वो ऑपोजिट साइड पे होगा ओरिजिन की, ये वाला आ जाएगा। और थर्ड वाली इक्वेशन भी जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है। इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये जो है वो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, ये सारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट्स हैं वो भी सेम एज इट इज होने हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।